हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपको जाइड फॉर्मन की सीरीज़ में बताने वाली हूँ परफेक्ट टेंस, कि परफेक्ट टेंस कैसे होता है और ये कैसे बिल्डअप होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले परफेक्ट टेंस की एक डेफिनेशन नहीं कहूँगी कि परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज़ कहाँ होता है और क्यों होता है, वो मैंने एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। द परफेक्ट टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस इन जर्मन ग्रामर। ये जो टेंस है बहुत ही महत्व स्थान रखता है जर्मन ग्रामर में। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो परफेक्ट टेंस है वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला, जो हम डे टू डे बेसिस में बोलते हैं, ये स्पोकन लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इरिस्पेक्टिव कि रिटन लैंग्वेज में। रिटन लैंग्वेज में जो है हमारा पास्ट टेंस यूज़ होता है। ये भी एक तरीके का पास्ट टेंस ही है, मगर ये परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है, ये एग्जैक्ट पास्ट टेंस नहीं है। ओके, वी यूज़ इट ऑलमोस्ट ऑलवेज व्हेन स्पीकिंग अबाउट द पास्ट। हम हमेशा इसे यूज़ करते हैं जब हम लोग भूतकाल या पास्ट के बारे में बताते हैं। द रूल फॉर क्रिएटिंग द परफेक्ट टेंस इज एज फॉलोज। और इसका रूल, इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है या रच भाव है, वो कैसे होता है। सबसे पहले आता है ऑक्सिलियरी वर्ब हाबन और जाइन, जो कि कॉन्जुगेट होता है। उसके बाद आता है एंड में पार्टिसिप पिसोए, मतलब कि इसकी परफेक्ट फॉर्म, वर्ब की परफेक्ट फॉर्म। कैसे? जैसे ऑक्सिलियरी वर्ब है हाबन, तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है इश हाब गेगेसन। हमेशा आप एक छोटे एग्जाम्पल से सीखिए, और जब भी आपको कोई ग्रामर याद करनी हो तो आप उसी छोटे सेंटेंस से आप या इजीली उसे याद कर सकते हैं और अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाता है। बहुत लंबे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मत यूज़ किया कीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है उनसे। जैसे इस सेंटेंस में इश हाब गेगेसन, इश हाब जो है कॉन्जुगेट हुआ है, और ये जो है वर्ब हैबन है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एक तरीके का हेल्पिंग वर्ब है ना। और लास्ट में आया है गेगेसन, एसन से बना गेगेसन, पार्टिसिप जुआ। ये बोलने में कितना इजी है, गेगेसन। 2-3 बारी आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। इश हाब गेगेसन मतलब मैंने खाना खा लिया है। इसी तरीके से ये बना हाबन के साथ, दूसरा है जाइन के फॉर्म के साथ, इश बिन गेकॉमन, इश बिन गे कॉमन। जैसे आपको पता ही होगा कि इश बिन मतलब होता है आई एम, मगर अगर इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप ऐसे नहीं कहेंगे आई एम कमिंग या आई एम कम। ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। अगर हम 1-to-1 इसका ट्रांसलेशन करें इंग्लिश में तो होगा आई हैव कम, मगर आप सोचेंगे ये तो हैव के साथ नहीं बना। जी हाँ दोस्तों, ये हैव के साथ नहीं बनता है, और ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं जो कि जाइन के साथ बनते हैं या जाइन की कॉन्जुगेशन के साथ बिल्डअप होते हैं। इसका मतलब आई हैव कम ही रहेगा, मगर ये बनेगा जाइन के साथ। यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने अपने अगले स्लाइड में आपको ये एक्सप्लेन भी किया है कि कौन से वर्ब जो हैं वो जाइन के साथ आते हैं और क्यों आते हैं। तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। व्हेन डू वी यूज़ दी ऑक्सिलरी वर्ब जाइन? जाइन वर्ब बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, इसका रूल क्या है? रूल है वर्ब्स अबाउट मूवमेंट एंड चेंज ऑफ स्टेट यूज़ द वर्ब जाइन। वर्ब्स अबाउट मूवमेंट, मूवमेंट जैसे कि कॉमन था, उसमें कोई आया है, मतलब एक दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह पर आया है, इसलिए वहाँ पे जाइन का यूज़ हुआ है। जहाँ पर भी हम लोग किसी तरीके की मूवमेंट की बात करते हैं वहाँ पर जाइन आता है, और जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट होता है वहाँ पर भी जाइन वर्ब यूज़ होता है। आप पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मूवमेंट के। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वर्ब्स ऑफ मूवमेंट, जैसे कि गेहन। गेहन मतलब जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फारन टू ट्रैवल, ट्रैवल करना, ट्रैवल करने में भी आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं। रेनन मतलब कि टू रन, दौड़ना, रेनन में भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होती है। और फ्लीगन, फ्लाई करने में भी आप एक शहर छोड़ के दूसरे शहर पर जाते हैं।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ जो कि मूवमेंट दर्शाते हैं और ज़ाइन के साथ बिल्डअप होते हैं. फॉर एग्जांपल, इश बिन गेस्टर्न नख बर्लिन के फारन. अब फारन का बना गे फारन. इश बिन जैसे मैंने कहा कि ज़ाइन है ऑक्सिलरी एट पोजीशन टू. और वैसे भी हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब जो है सेकंड नंबर की पोजीशन पे ही रहता है जर्मन ग्रामर में थ्रू आउट. भले ही बाकी इन्फॉर्मेशन प्लेसेस चेंज करें मगर वर्ब हमेशा स्टिक रहता है एट द पोजीशन टू. इश बिन गेस्टन मैं कल मतलब बीते हुए दिन में नख बर्लिन के फारन बर्लिन गया तो आया गे फारन. इसी तरीके से अगर आप पहला एग्जांपल देखें गेहन तो उसका बनेगा गे गांगन. फारन का बना गे फारन. रेनन का आई गेस रेनन का मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ. मैं अपने कमेंट सेक्शन में आपको डालूँगी. आई फॉरगॉट रेनन का क्या होता है. ओके आई स्किप दिस. बट फ्लीगन का होता है गिफ्लोगन. ओके दोस्तों गिफ्लोगन. तो यहाँ पर इस तरह से पार्टिसिप सोए जो है एंड में आया है गिफारन. इश बिन गेस्टन नक बर्लिन गिफारन मतलब मैं कल बर्लिन गई. तो ये तो था मूवमेंट के बारे में. उसके बाद आता है व्हाट आर वर्ब्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट. अब ये समझना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये बाकी लैंग्वेजेस में आई डोंट नो कि होता है कि नहीं होता. बट इंग्लिश में तो ऐसा नहीं होता और हिंदी में भी ऐसा नहीं होता है. मगर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ उसका रूल क्या है. वर्ब्स ऑफ चेंज ऑफ स्टेट एक्सप्रेस व्हेन अ सब्जेक्ट्स स्टेट चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू बी. जब किसी सब्जेक्ट का जो स्टेट है स्टेट मतलब उसकी कंडीशन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो जाती है. अब इस टेबल में आप देखिए पहला जो है कॉलम वो है स्टेट ए. बीच का है चेंज ऑफ स्टेट और तीसरे नंबर पे स्टेट बी. तो ये तीन स्टेट हैं. अब पहला एग्जांपल से समझते हैं. जी लिप्ट जी लड़की के लिए मैंने यूज़ किया. जी लिप्ट आप बोल सकते हैं सीता लिप्ट हूँ. जैसे लेबन मतलब होता है जिंदा रहना ना. लेबन मतलब जीना. आप जी रहे हैं. जी लिप्ट मैं कह रही हूँ यार वो अभी भी जी रही है. शी इज़ अलाइव. जी लिप्ट. अब चेंज ऑफ स्टेट क्या आएगा. जी स्टेप्ड. अब जैसे कि वो लेट सपोज हॉस्पिटलाइज हो गई कुछ एक्सीडेंट की वजह से और हम ये बोलेंगे कि जी स्टेप्ड वो मर रही है. अभी शी इज़ नॉट कम्प्लीटली डेड. हो सकता है उसका कोई मेजर ऑपरेशन हो रहा हो. हम बोलेंगे जी स्टेप्ड मतलब उसकी कंडीशन ख़राब है. वो अभी प्रोसेस में है. चेंज ऑफ स्टेट बेसिकली प्रोसेस ही होता है जब तक कि वो एक फाइनल स्टेट में ना आ जाए. और लेबन मतलब ज़िंदा रहना. उसके बाद नाउ शी इज़ स्ट्रगलिंग विद लाइफ. और तीसरा स्टेट क्या आएगा. व्हेन शी इज़ डेड तो हम बोलेंगे जी इज टोट. तो लेबन से टोट तक का जो डिफरेंस जो है स्टेट है दैट इज़ स्टेबन मतलब मरना ना. बट वो डेड हो गई. शी इज़ जी इज टोट. She is dead now. तो इस वर्ब को जो है हम लोग चेंज ऑफ स्टेट के लिए यूज़ करते हैं कि पहले ज़िंदा थी और अब वो she is no more. अब वो मर गई है. तो हम लोग इसका परफेक्ट कैसे बनाएंगे. Sie ist gestorben. Sterben से बनेगा gestorben. ओके दोस्तों तो यहाँ एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में पहुँच गई है. स्टेट मतलब कंडीशन. इसीलिए स्टेबन जो है वो इस्त के साथ बिल्डअप होता है. जी इस्त गेस्टोर्बन. जी इस गेस्टोर्बन सॉरी जी इस गेस्टोर्बन. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप देखिए. जी इत वाह. जी इस वाह. वाह वाह मतलब होता है जगा होना. वो अभी जागी हुई है. जी श्लीफ्ट आइन वर्ब है आइन श्लाफन कॉन्जुगेट होकर हुआ. जी श्लीफ्ट आइन. जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ. मैं अभी जगी हुई हूँ और अब मैं जाके बेड में लेट गई. अब मुझे तुरंत नींद नहीं आई है मन में. अभी प्रोसेस में हूँ कि मैं सो रही हूँ. मैं धीरे 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 सो रही हूँ. कोई मुझे देखेगा तो बोलेगा भाई जी शलेफ्ट आइन वो अभी सो रही है.
एक घंटे के बाद हो सकता है मुझे गहरी नींद पड़ गई और अब मैं कम्प्लीटली सोने की कंडीशन में मत सो चुकी हूँ, तो अब मेरी कंडीशन चेंज हो गई है, अब मैं स्टेट बी में हूँ, मैं जी शिफ्ट। अब कोई आके देखेगा और मेरे बारे में बताएगा तो बोलेगा आ जी शिफ्ट वो सो चुकी है। तो यहाँ पर मैं जगी हुई थी, उसके बाद मैं धीरे धीरे सोते सोते अब कम्प्लीटली नींद में हूँ, तो मेरा स्टेट चेंज हो गया। तो इसीलिए आइन शलाफन वर्ब भी जो है परफेक्ट के साथ बनता है, सी इस के शलाफन वो सो चुकी है, सी इस के शलाफन यत्स हाँ कम्प्लीटली सो चुकी है। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल हम समझते हैं, डी ब्लूम ब्लूट, डी ब्लूम ब्लूट, ब्लूहन, ब्लूहन मतलब होता है खिलना, जैसे फूल खिलता है, डी ब्लूम फ्लावर खिलता है खिल रहा है, डी ब्लूम ब्लूट टू ब्लॉसम जैसे कहते हैं ना। अब धीरे धीरे जो फूल है वो मुरझाना शुरू करता है, एकदम से नहीं मुरझाता, प्रोसेस में रहता है, डी ब्लूम फरवेल्ट, धीरे धीरे अब वो मुरझा रहा है। डी ब्लूम यहाँ पर जो है लड़की है, क्योंकि ब्लूम आप देख सकते हैं वाइब्रेशन, डी ब्लूम फरवेल्ट यहाँ पे कॉन्जुगेट हुआ है, डी ब्लूम फरवेल्ट, धीरे धीरे फूल जो है मुरझा रहा है, और डी ब्लूम इज़ फरवेल्ट, फरवेल्ट मुरझाना होता है, और वो मुरझा के अब कम्प्लीटली मुरझा चुका है या गिर भी चुका है सूख के, तो हम बोलते हैं कि डी ब्लूम इज़ फरवेल्ट। अब वो कंडीशन क्या है कि ब्लूमर जो फूल है दैट इज़ ऑल्सो नो मोर। तो ये एक वर्ब भी जो है साइन के साथ बनता है, क्योंकि इसमें भी एक स्टेट ए से स्टेट बी में चेंज हुआ है, डी ब्लूम इज़ फरवेल्ड। यहाँ पे जो भी मैंने नए वर्ब्स यूज़ किए हैं या एडजेक्टिव्स नाउन, वो मैंने नीचे ऑरेंज कलर में आप देख सकते हैं, मैंने इसको पॉइंट राइट डाउन किया है। जैसे श्टियार्बन, श्टियार्बन मीन्स टू डाई, क्योंकि ये न्यू वोकेबलरी है, आज से पहले मैंने ये यूज़ नहीं की है, और ये आपको और हेल्प करेगी वोकेबलरी बिल्ड करने में। तो देखते हैं, श्टियाबन, श्टियाबन वर्ब है, वी मीन्स वर्ब, टू डाई मतलब मरना, आइन श्लाफन इट इज ऑल्सो अ वर्ब, टू फॉल एस्लीप सो जाना, फर वेलकन वर्ब है टू विल्ट मुरझाना, ब्लूहन टू ब्लॉसम खिलना, टोट टोट टे ओ टे टोट एडजेक्टिव है, डेड डेड मीन्स मृत हो जाना मर जाना, वाक एडजेक्टिव है, अवेक जगा होना, ये ब्लूम फ्लावर फूल ये नाउन है, क्योंकि ये आर्टिकल के साथ है, डी ब्लूम, और जो ब्लूम है जो नाउन होते हैं वो हमेशा कैप्स में लिखे जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो बे है वो कैप्स में मैंने लिखा है, डी ब्लूम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि साइन फॉर्म के साथ पहले तो कौन से वर्ब्स आते हैं और उसका परफेक्ट कैसे बनता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी आपको कि ये कुछ एग्जांपल से ऐसे कई सारे वर्ब्स हैं जो कि सिर्फ ज़ाइन के साथ ही बनते हैं। वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि अपना नेक्स्ट वीडियो आफ्टर फ्यूचर टेंस एक वो वीडियो भी मैं बनाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का। तो आई होप सो कि मैं जल्दी ये वो वीडियो अपलोड करूँ। ओके दोस्तों, अब है हम लोग देखते हैं कुछ रेगुलर वर्ब्स अपने, जो कि इसकी एंडिंग्स कैसे लेते हैं और परफेक्ट में कैसे चेंज होते हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैंने दो वर्गों में कैटेगराइज़ किया, ट्रेंड बार और निश ट्रेंड बार वर्ब्स, और ऐसे वर्ब्स जिसकी एंडिंग ईयरन होती है, ईयरन जैसे स्टूडियरन, स्टूडियरन, रिपारियरन, रिपारियरन क्या होता है, टू रिपेयर, कोई पार्ट रिपेयर करना गाड़ी का या किसी चीज़ का भी, उसको कहते हैं रिपारियरन। ओके, पहला वर्ब मैंने लिया है लंदन, टू लैंड जैसे फ्लाइट लैंड करती है, इश बिन गे लैंडेड, इसमें मैंने सिर्फ एक ही इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि थ्रू आउट ये लैंडेड ही रहेगा, आई हैव लैंडेड, यू हैव लैंडेड, ही हैज़ लैंडेड, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। ये मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो लंदन है वो वर्ब ज़ाइन के साथ बना है, फिर वही चीज़ है कि इश बिन गेलैंडेड
आई एम लैंडेड, आई एम लैंडेड नहीं है, आई हैव लैंडेड होता है ना, इसीलिए आप इसको बिल्कुल इंग्लिश से मत जोड़िएगा। और जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में अटपटा सा लगता है, बट दिस इज़ अ वे दिस वर्क्स। तो इसको आप एज इट इज़ याद कीजिए। लैंडन में भी आप देखिए मूवमेंट है, मूवमेंट है, आप ऊपर की हवा से आप नीचे धरती पर आ गए हैं, तो एक तरीके से इसमें भी मूवमेंट जो शो, इसको जर्मन में कहते हैं बेवेगुंग। बेवेगुंग मतलब होता है मूव करना। ओके फ्रेंड्स, इश बिन गेलैंडेड, डू बिस्ट गेलैंडेड, एयर जी एस इस गेलैंडेड, वी आर जिन गेलैंडेड, एयर साइट गेलैंडेड, जी जिंड गेलैंडेड। फिर आ जाता है आइनकाउफन। आइनकाउफन मीन्स टू बाय, परचेज करना। इश हैब आइन गेकॉफ्ट। अब क्योंकि ये ट्रेंड बार वर्ब है, यह जैसे हो जाएगा इश खाफ आइन, मैं खरीदती हूँ, तो यह इसीलिए बीच में आइन और कॉफन के बीच में ये लग जाता है गे। इश हैब आइन गे कॉफ्ट मीन मैंने खरीदा, आई हैव परचेज्ड। डू हास्ट आइन गे कॉफ्ट, ए जी एस हट आइन गे कॉफ, वी आर हैबन आइन गे कॉफ्ट, ये हफ्त आइन गे कॉफ्ट उंट जी हैबन आइन गे कॉफ्ट। Übersetzt means होता है to translate, जैसे आप जर्मन का इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो उसे Übersetzen वर्ब है, Übersetzen। सॉरी दोस्तों, ये Übersetzen होना चाहिए, ये मैंने कॉन्जुगेटेड वर्ब ऊपर डाल दिया, एक्सट्रीमली सॉरी, पर ये होगा Übersetzen ना वर्ब। Ich hab übersetzt, du hast übersetzt, एयर जी एस हट यूबर जेट्स्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लास्ट में पढ़ना, मगर आप इसको जेट जड जेट्स्ट एक साथ बोलेंगे क्योंकि दोनों ही ज़ा है इसमें। वी आर हाबन यूबर जेट्स्ट, ये हफ्त यूबर जेट्स्ट, जी हाबन यूबर जेट्स्ट। आई हैव ट्रांसलेटेड, यू हैव ट्रांसलेटेड, शी हैज ट्रांसलेटेड, वी हैव ट्रांसलेटेड। फिर आता है स्टूडियरन, टू स्टडी। ए हाब स्टूडियट, डू हस्त स्टूडियट, ए जी एस हट स्टूडियट, वी आर हाबन स्टूडियट, ए हफ्त स्टूडियट उंट जी हाबन स्टूडियट। इसकी एंडिंग जो है आपने देखी ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, ये बहुत इजीली बिल्डअप हो जाते हैं परफेक्ट, और बोलने में भी बहुत आसान रहते हैं। अगर आप आर्बाइटन याद करें तो मैंने पास्ट टेंस में आपको बताया था इश आर्बाइटट करके वो होता है, इट्स डिफ़िकल्ट आर्बाइटट बोलना, मगर आप ऐसे बोलेंगे इश हैब गे आर्बाइटेड तो वो बहुत ही इजी होता है। ओके फ्रेंड्स, फिर आता है उन रीगल मीस ग वर्बन। इसमें भी ट्रेंड बार वर्ब है और निश ट्रेंड बार वर्ब है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मगर कुछ वर्ब्स हैं जैसे लास्ट में बिकिनन है तो ये हो जाएगा इश हाब बेगोनन। ई जो है वो ओ में बदल गया है, और बाकी फारन का आप देखिए बहुत इजी है। फारन इश बिन गेफारन, आई हैव ड्रिवन, इश बिन गेफारन, डू बिस गेफारन, या जी एस इस गेफारन। गे फारन बोलना भी आसान है। इसी तरीके से अनरूफन है, अनरूफन इज़ ऑल्सो ईजी, इश हैब अनगेरूफन, आई हैव कॉल्ड, इश हैब डिश अनगेरूफन, आई हैव कॉल्ड यू। डू हस्त अनगेरूफन, एयर जी एस हट अनगेरूफन। इश हैब बेगोनन, डू हस्त बेगोनन, एयर जी एस हट बे गोनन। और दोस्तों अब ये एग्जांपल्स, एक कंप्लीट ओवरव्यू, प्रेजेंट प्रेटेरिटम और परफेक्ट। प्रेटेरिटम रिटन फॉर्म है और परफेक्ट जो है स्पोकन फॉर्म है। जैसे कॉफन, टू बाय, और ये प्लस बिल्डअप होता है हाबन के साथ। इश काउफ, प्रेजेंट क्या होगा इश काउफ, प्रेटेरिटम इश कॉफ्ट, और परफेक्ट इश हैब गेकॉफ्ट। आई परचेज या फिर आई एम परचेजिंग,
प्रेजेंट में, आई परचेज्ड प्रेटेरिटम में पास्ट टेंस में, आई हैव परचेज्ड परफेक्ट में। अब आप देखिए, आई परचेज्ड मैंने खरीदा, आई हैव परचेज्ड मैंने खरीदा। हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि मैंने खरीदा या मैंने कल इसको खरीदा। हिंदी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप बना नहीं सकते कि ये पास्ट बोल रहा है या परफेक्ट बोल रहा है, बट इंग्लिश में इसका डिफरेंस समझ में आता है, आई हैव परचेज्ड एंड आई हैव परचेज्ड, मगर दोनों ही पास्ट हैं। हमेशा ये बस ये याद रखिए कि दोनों ही पास्ट हैं, प्रेजेंट इज़ डिफरेंट। फिर आता है गेहन, गेहन टू गो, ये बनता है जाइन के साथ, क्योंकि गेहन जाना है, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं, इसमें बेवेगुंग है, मूवमेंट है, एक्शन है। इश गियर आई गो या आई एम गोइंग, इश गिंग आई वेंट, इश बिन गेगांगन आई हैव गॉन, इश बिन गेगांगन। ये वर्ड मेरा पर्सनल फेवरेट है, आई डोंट नो, इसको बोल के बड़ा अच्छा लगता है मुझे, इश बिन गेगांगन। जब मैं फर्स्ट टाइम इसको मैंने पढ़ा था तो मैं बड़ा फैसिनेट हो जाती थी गेगांगन वर्ड में, बार बार इसको बोलना चाहती थी कि गेसन गे गांगन गे ट्रंकन गे आरबाइटन, बहुत ही अच्छा लगता है बोलना। आपको भी आई होप सो कि आपको भी बहुत पसंद आएगा जब आप परफेक्ट सीखेंगे और बोलेंगे इसको। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये कुछ ही दिन में आपको लगेगा कि ओह यार ये बहुत आसान है। ये स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे जैसे आप इसको बोलेंगे आपको ये बहुत हैबिचुअल हो जाएंगे। आप रे इश बिन गे गांगन आई हैव गॉन, मैं गई थी यस्टरडे, गैसन बिन इश गे गांगन या आई हैव गॉन देयर। ओके दोस्तों, इसी तरीके से एसन आता है, एसन भी बहुत अच्छा लगता है परफेक्ट बोलना, इश हैव गेगेसन मैंने खाना खा लिया आई हैव ईटन। अब आप बोलेंगे इश आस, तो सुनने में थोड़ा सा नहीं जमता ये इश आस, ये बेटर है आप इसको लिखने के फॉर्म में यूज़ कीजिए इश आस। आप बोलिए हैव गेगेसन, वाइस वास आई हैव गेगेसन, डू यू नो व्हाट आई हैव ईटन माई फूड, इश हैव गेगेसन प्रेजेंट है, इश ऐसे आई ईट या आई एम ईटिंग, इश ऐसे इश आस इश हैव गेगेसन। आप इसे ऐसे ही याद कीजिए तीनों फॉर्म में, इश खौफ इश खौफ्ट इश हैव गेखौफ्ट, इश गिय इश गिंग इश बिन गेगांगन, इश ऐसे इश आस इश हैव गेगेसन। ये था सिर्फ इश के साथ, इसी तरीके से दू के साथ बनेगा, दू खौफ्स दू खौफ्टेस्ट और इश हैव दू हस गेखौफ्ट। जब तक आप इस तरीके से बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्योंकि आपकी ज़ुबान को भी आदत होनी चाहिए बोलने की। जनरली हम लोग इश के साथ एग्जांपल देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें आप छोड़ देंगे, आप बाकी चीज़ें भी साथ में पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मुझे और वर्ब्स इंक्लूड करने चाहिए परफेक्ट के, प्रिटेरिटम के, प्रेजेंट से, इस तरह का कोई चार्ट, तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि या तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँ या मैं अपने फेसबुक पर एक जीपक फॉर्मेट में वो पोस्ट कर दूँ, ताकि आप लोग उसका प्रिंट आउट लेके आप उसको स्टडी कर सकें। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो परफेक्ट टेंस में, बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये टेंस है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है। आज मैं आपको करवा चौथ की बधाइयाँ भी देना चाहती हूँ, हैप्पी करवा चौथ सभी देखने वालों को और सुनने वालों को। और इसी के साथ मैं आपसे विदा भी लूँगी, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर मेरे दोस्त बनना मत भूलिए। बहुत जल्द हाजिर होंगी अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि मैं बनाने वाली हूँ फ्यूचर टेंस के ऊपर, तो देखते रहिए। तब तक के लिए चूस।